बिस्मिल्लाह रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टुडे विद नाज़र मुगैरी के साथ आपका मेहमान नाज़र मुगैरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हम इस वक्त पिट गली पर मौजूद हैं और पिट गली पुराने पर मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारा रश है और लोग अभी जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर और यहाँ जो दुकानें हैं वो भी खुली है इस वक्त और जबकि टाइम आज का तकरीबन 12 बजे का टाइम है। तो ईद के दूसरे दिन हमने सोचा कि सरपाल कर जाया जाए और सरपाल कर विजिट किया जाए और फिर आपको भी दिखाया जाए। तो इस जन्म से जब हम यहाँ पहुँचे ईद के बिल्कुल दूसरे दिन तो काफ़ी यहाँ भीड़ थी और बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग आ रहे हैं और घूम रहे हैं और फैमिलीज स्पेशली बच्चे खवातीन उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। तो मैं इस वक्त भिट गड्डी पर मौजूद हूँ, पुरानी भिट गड्डी पर और मेरे पीछे बिल्कुल जो मनाजर आपको नज़र आ रहे हैं ये मिट्टी शहर के हैं, खूबसूरत मनाजर मिट्टी शहर के आप देख सकते हैं और बहुत प्यारे मनाजर यहाँ से और रात के टाइम में रात के औकात में यहाँ पर लोग आते हैं और ये यादगार टावर जो है अमर जगदीश कुमार मलानी जिन्होंने जिनकी याद में इसको तामीर किया गया है। तो इसके अंदर भी सीढ़ियाँ मौजूद हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं सामने सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से ऊपर जाया जा सकता है। लेकिन कुछ अर्सा पहले एक बच्चा जो है वहाँ से गिरकर उसका इंतकाल हो गया जिसके बाद उसको बंद किया गया है आदमी तौर पर। और लेकिन आप जब ऊपर जाएंगे और मंजर करेंगे तो शहर का मंजर और भी आपको खूबसूरत नजर आएगा, लिहाजा आप यहाँ से भी देखें तो आपको बहुत खूबसूरत सारे मनासर जो है वो नज़र आ सकते हैं मिट्टी शहर के। और यहाँ आने का जो टाइम है वो रात का ही है, तो रात को जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको मनाजर देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बताऊं कि काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा कि बातचीत करके ताकि आपको मालूम दे सकूं, तो पता चला है कि कराची से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, ईद पंजाब से लोग यहाँ पर आए हैं और वो ईद के मौके पर यहाँ आ जाते हैं ताकि यहाँ हला गुला करें और मज़ा करें और इंजॉयमेंट करें। तो इंजॉयमेंट का बड़ा सोर्स है यहाँ पर आने का और हर चीज़ जिसके मेरे के साथ है। और जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि लास्ट टाइम जब आए थे और हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की व्लॉग आपके लिए ताकि आप जान सकें कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ आप देख सकते हैं कि मिट्टी भिट गली में हम मौजूद हैं इस वक्त और बड़े खूबसूरत तरीके से। मैं कैमरा मैन को कहूँगा आपको पीछे के मनाजर जो है वो भी दिखाएँ और आप देख सकेंगे कितनी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, लोग इंजॉय करते हैं और यहाँ पर खाने पीने की जो अशिया है वो भी दस्तियाब है और सिक्योरिटी के लिए पुलिस मोबाइल भी मौजूद है ताकि गाड़ियाँ जो है वो एक साइड में पार्किंग में पार्क की जा सके और लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकें और हर कोई अपने मस्ती में और मिट्टी शहर की जो स्पेशल अट्रैक्शन है तो उसमें गुम है, मगन है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर मनाजिर जो है मिट्टी शहर की वो किए जा सके और वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं और फोटोग्राफी हो रही है। यहाँ पर इस किस्म की कोई भी देर नहीं है, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। तो आप लोग भी जब इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाए फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ तो मिट्टी शहर ज़रूर आइए, लेकिन यहाँ आने का टाइम है रात को ताकि रात को जब आप आएँ तो शहर का जो मनाजर है जैसे पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत मनाजर वो आप कर सकें। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अभी एक नई भिट गली भी बन चुकी है लेकिन वहाँ पर अभी तक रौनक नहीं है, लोग कम जा रहे हैं और नशे आवाज टाइप जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद है मावाली टाइप, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा है, बिजली का भी इंतजाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो फुल इंतजाम है और काफ़ी बरसों से यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं आते रहे हैं और पूरे मिट्टी शहर का जो मनाजर है वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये टावर भी है अमर जगदीश कुमार मलानी के नाम से, कुमार मलानी के नाम से यहाँ पर एक टावर भी है, खूबसूरत टावर। तो यहाँ पर लोग पहले जाते थे, ऊपर जाया जाता था, पहले सीढ़ी है ऊपर, जैसे एक बच्चा वहाँ से होता है जिससे बारिश यहाँ पर सकती हुई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सकती की है और कोई भी ऊपर नहीं जा सकता और सीढ़ियों को बंद किया गया है। लेकिन मिट्टी शहर का जो खूबसूरत नज़ारा है रात का स्पेशली लाइटिंग के हवाले से वो आप कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, आप देखें खूबसूरत मनाजिर मिट्टी शहर पे। और यार डिसिप्लिन का भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो दिखाई दे रहा है कि लोग आ रहे हैं और फैमिली के साथ कोई किसी को डिस्टर्ब या तंग नहीं करता और वैसे भी सरपार करके जो लोग हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप मनाजिर कर सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं, खा पी सकते हैं। यहाँ इस वक्त मैंने आपको बताया कि ईद उल अज़हा का जो सेकेंड डे है हम यहाँ पर मौजूद हैं और सुना है कि यहाँ 13-14 अगस्त को भी काफ़ी रश होता है, तो इंशाल्लाह उन दिनों जाएंगे और आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। अब मैं चाह रहा था कि कुछ लोगों से बात करें यहाँ पर लेकिन फिर मैंने सोचा कि रात का टाइम है और कोई अपने मस्ती में मगन है तो बात करने के बजाय बेहतर यह है कि जो मनाजर है वो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बिल्कुल मनाजर मिट्टी शहर के
मौजूद है और सरकार का बहुत खूबसूरत शहर मुठी जहाँ पर भिट गदी में हम मौजूद हैं और भिट गदी एक तफरी मकाम तकी है। तो दोस्तों ये जो भिट गदी है एक तफरी मकाम तब्दील हो चुकी है, लेकिन अब जो है तो इंशाल्लाह आपसे हम इजाज़त लेंगे और नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक अपने मेज़बान नाज़िर मुग़ैरी को इजाज़त दीजिए, आप जहाँ भी रहें खुश रहें और कोविड 19 से अपना ख्याल रखिए।